Hello friends, welcome in the world of science with Science Era. I am Priyanka Saini. Today I am going to teach you about cell. That is a first chapter of biology in class 9. Let's start with the cell. What is the name of this chapter? Cell, the fundamental unit of life. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. कम से कम 6 नंबर का ये चैप्टर हमेशा आपके एग्जाम में आता है. सो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सेल. सेल होता क्या है? सेल होती है हमारी कोशिका. क्या होती है? हमारी कोशिका. जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है ना. सबसे पहले क्या होता है, कुछ ईंटें होती हैं. उन ईंटों को एक सीक्वेंस में लगा के एक दीवार बनाई जाती है, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, फिर चौथी दीवार, फिर उन दीवारों के ऊपर एक छत बनाई जाती है. पर मटेरियल क्या होता है? ईंट. तो अगर हम देखें तो उस दीवार की बेसिक यूनिट क्या है? एक ईंट. उसी तरह हमारे ह्यूमन की अगर हम बेसिक यूनिट चेक करें तो हमारे ह्यूमन की बॉडी किस चीज से बनी हुई है? हमारी बेसिक यूनिट क्या है? वो है सेल, कोशिका. क्या है? सेल, कोशिका. राइट. सो सेल की डेफिनेशन क्या है? हम बात करते हैं, ऑल द लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल. वेदर दे आर ह्यूमन, वेदर दे आर प्लांट्स, वेदर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एवरीथिंग दैट इज लिविंग इन दिस वर्ल्ड. जो भी चीज संजीव है इस दुनिया में, हर संजीव चीज बनी हुई है सेल से, कोशिका से. राइट. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, वेदर दे आर यूनिसेलुलर, वेदर दे आर मल्टी सेलुलर. पर बना किससे हुआ है? सेल से ही बना हुआ है. चाहे वो एक छोटा घर है, चाहे वो एक बड़ी बिल्डिंग है, चाहे वो एक महल है, पर बना किससे हुआ है? ईंट से. उसी तरह है, एक ह्यूमन है, एक बच्चा है, एक बुजुर्ग है, एक एनिमल है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक पौधा है, सब किससे बने हुए हैं? सेल्स. अब सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. इज कॉल्ड साइटोलॉजी बिकॉज साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मीन्स स्टडी. लॉजी मीन्स स्टडी. साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज going to study under a branch of science that is called cytology. क्या बोलेंगे उसको? cytology. सबसे पहले cell को discover किया था Robert Hooke ने. किसने discover किया था? Robert Hooke ने. कहाँ discover किया था? एक dead cork slice. अब बच्चे बहुत confused हो जाते हैं कि dead cork slice होता क्या है. आप लोगों ने हमेशा देखा होगा पेड़ की छाल होती है. पेड़ देखते हो आप, पेड़ के बहुत खुरदरा खुरदरा मोटा लकड़ होता है जिसको आप कई बार हाथ से उखाड़ के अलग कर सकते हैं. वो क्या होते हैं? पेड़ की छाल. उसके अंदर डेड कॉक, उसको बोलते हैं कॉक. और जब उसके बहुत पतले पतले स्लाइस किए, उस स्लाइस में मिली एक डेड सेल. और जो किसने ढूंढी सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने. कब ढूंढी? 1665 में. हमेशा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड व्हेन. किसने सेल की खोज की और कब की? रॉबर्ट हुक ने की, 1665 में की. अच्छा, 1665 में तो हम नहीं थे, तो हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसने इसके बारे में अपनी एक बुक में लिखा गया था, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया. जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया. माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक लिखी थी रॉबर्ट हुक ने, जिसमें उसने सेल के बारे में जिक्र किया. उसने इस सेल को देखा था अपने खुद बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. आजकल हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम उसके पास प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था. सेल वर्ड कहाँ से आया? सेल जो वर्ड है वो आया है ग्रीक लैंग्वेज से. ग्रीक में वर्ड होता है सेलुले. सेलुले मीन्स स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम, एक स्मॉल कंपार्टमेंट, जिसको बोला गया सेल. क्योंकि जिस टाइम रॉबर्ट हुक ने कॉक को स्टडी किया अपने माइक्रोस्कोप के अंडर, तो उसकी शेप उसे कुछ इस तरह की दिखाई थी. तो उसको लगा कि ये है एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स. तो इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का नाम उसने दे दिया सेल, ग्रीक लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम. ये थी बात डेड सेल की. इसके बाद
लिविंग सेल सबसे पहले किसने खोजी? लिविंग सेल सबसे पहले खोजी ए बी लिविनहॉक ने। लिविंग सेल एक जीवित कोशिका ढूंढी ए बी लिविनहॉक ने। एंटेविन लिविनहॉक, एंटेविन लिविनहॉक ने इसको 1805 के आसपास खोजा और कहां खोजा? एक तालाब में। कहां खोजा? एक तालाब में उसने इसको खोजा। अब सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं लाइफ लिक्विड। क्या बोलते हैं? लाइफ लिक्विड। और उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या है उसका नाम? प्रोटोप्लाज्म। उस लिक्विड का नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेमी लिक्विड होता है। क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेमी लिक्विड होता है। इन सब को ऑब्जर्व करने के लिए लिविनहॉक के पास था माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम माइक्रो पार्टिकल्स को बड़े साइज में देख सकते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स को, बहुत छोटे पार्टिकल्स को जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते डायरेक्टली, उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। बहुत पहले रॉबर्ट हुक ने यूज किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इसको यूज किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को, पर जैसे जैसे एडवांसमेंट आई उसके बाद जो आजकल माइक्रोस्कोप हम लोग हमारे स्कूल क्लासेस में यूज कर रहे हैं वो है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैं आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू उसकी वर्किंग सिखा रही हूँ, एक रफ डायग्राम के थ्रू उसकी वर्किंग सिखा रही हूँ। हिंदी में इसको बोलेंगे हम सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मीन्स बहुत छोटा दर्शी जिसे जिसके द्वारा हम उन्हें देख सकते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है? इसके पास एक आईपीस होता है। आईपीस के बाद होता है एक ऑब्जेक्टिव पीस। यहाँ एक स्लैब होती है, स्लैब पर हम रखते हैं, मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें। ये है आईपीस, यहाँ पर होती है हमारी आंख जिसके थ्रू हम देखते हैं। यहाँ होता है हमारा ऑब्जेक्ट, स्लाइड है, स्लाइड पर होता है हमारा ऑब्जेक्ट। आईपीस, ऑब्जेक्टिव पीस, ये होती है हमारी स्लैब, ये होता है हमारा पार्टिकल। स्क्रू लगे हुए होते हैं दो, यहाँ पर एक एडजस्टर होता है, एक होता है फाइन एडजस्टर, एक होता है फाइन एडजस्टर। जिस समय हम अपनी आंख से देखते हैं किसी भी पार्टिकल को तो क्या होता है? यहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ होता है। वो ग्लास क्या करता है? सन की रेज जो भी आती है रिफ्लेक्ट कर उसे भेजता है इस ट्यूब में, जिससे कि इस पार्टिकल को हम क्लियरली देख सकते हैं। जैसे ही हमारी आंख ये वाला लेंस और ये वाला लेंस दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, दोनों पावर को डबल कर देते हैं। सो इसके अंदर आप 40x, 100x एंड 80x, x मतलब इतनी मैग्निफिकेशन, इतने गुना किसी भी पार्टिकल के साइज को इतने गुना बड़ा करके देख सकते हैं। वो होता है आपका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप पुरानी चीज हो गई है। आजकल हम लोगों ने सेल की इनर स्टडी भी कर ली है। इनर स्टडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऐसे डायग्राम्स की जो बहुत ही क्लियर और एक्चुअल हो, और वो ढूंढे जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ न्यू डिवाइस। ये डिवाइस को खोजा था नॉल एंड रुस्का ने। नॉल एंड रुस्का इन 1942 ढूंढा था, इन 1942। इसमें क्या होता है? ये बहुत बड़ी और कॉस्टली मशीन होती है। मैं आपको सिंपल इसकी फंक्शनिंग बताऊंगी। इलेक्ट्रॉन्स आकर बम्बार्ड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पर, आके जोर से लगते हैं, और जब भी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाते हैं तो वही इमेज ड्रॉ करते हैं एक बड़े साइज में।
जिसको हम बहुत अच्छे से हर चीज को साफ साफ तरीके से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसमें सोर्स क्या है? इसमें सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स की बीम। इलेक्ट्रॉन की बीम ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक कर कर वापिस जाती है और वापिस जाकर एक क्लियर इमेज और एक बड़ी इमेज को ड्रॉ करती है, जिससे कि समझा जा सकता है कि ये डायग्राम किस चीज का है और कैसा है। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द फंक्शंस ऑफ सेल्स। थैंक यू।